हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अनविता फ्रॉम शांति नर्सिंग होम। आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है, बहुत लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं। आज का टॉपिक स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स के लिए है। आज जो मैं बात कहूँगी वो है तो कटु सत्य, बट ये 100% एक्यूरेट है जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ। डेली प्रैक्टिस के अंदर आजकल हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारी अनमैरिड गर्ल्स आती हैं जो आकर मुझे ये कहती हैं कि मैम, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं। इस जनरेशन की ये एक चीज़ अब हम लोगों को गले उतारनी पड़ती है या एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि सेक्सुअली एक्टिव होना आजकल उनके लिए कोई बहुत बिजारे चीज़ नहीं है या कोई वियर्ड चीज़ नहीं है। जितनी भी लड़कियां रिलेशनशिप में हैं उनमें से काफ़ी कुछ सेक्सुअली एक्टिव हो सकती हैं या वो हैं। अब उसके बाद वो कितना उसको मैरिज में कन्वर्ट कर पाती हैं या नहीं, वो भी एक डिफरेंट इशू है। बट तीन या चार रीज़न हैं जिनके कारण वो बाद में मेरे पास आती हैं और ये कहती हैं कि मैम, हम बहुत घबरा रहे हैं, अब हमारी शादी होने वाली है। बाय चांस, पर चांस उस लड़के से तो शादी नहीं हो रही है जिसके साथ वो सेक्सुअली एक्टिव रह चुकी हैं, या मान लीजिए बाय चॉइस, पर्सनल चॉइस से भी आप सेक्सुअली एक्टिव थी उसके साथ। किसी किसी केस में किसी हादसे का शिकार भी हो जाती हैं कई बार लड़कियाँ और वो कंज्यूमेशन हो जाता है, लेकिन शादी के बाद अब वो उस चीज़ से बचना चाहती हैं। किसी कारण से वो अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहती हैं कि वो सेक्सुअली एक्टिव रह चुकी हैं, तो वो विजाइनल टाइटनिंग के लिए हमारे पास आती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि उनको शादी के बाद अपने पार्टनर को नहीं बताना है कि वो एक्टिव नहीं थी पहले कभी भी, और इस चीज़ के लिए क्या कोई ऐसा इलाज हो सकता है जिससे उनकी शादी भी बच जाए और आगे के लिए उनको कोई दिक्कत भी नहीं आए, ना तो डिलीवरीज में, ना आपस में इंटरकोर्स में, या बाद में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अपने हस्बैंड के साथ। अब ये मुद्दा टोटली पर्सनल चॉइस का है आपका, तो इस मामले में मैं दो या तीन चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँ आपको। पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी यंगर जनरेशन के लिए कि आप सेक्स को जितना अवॉइड कर सकें प्री मैरिटल, आपके लिए उतना ही हेल्दी और बेटर चीज़ है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस 99% आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। आज की सोसाइटी के हिसाब से आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंस वाइज आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां पर 99% आपको इस चीज़ के मेंटली और फिजिकली रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट आप ही उसके अंदर लूज पॉइंट पे आ जाती हैं। वॉइस को ना तो उसके बाद किसी सर्जरी की ज़रूरत होती है ना किसी और चीज़ की, बट एट द एंड ऑफ द डे गर्ल्स के लिए ये एनाटॉमिकली और फिजिकली थोड़ा सा हरेसमेंट वाला पॉइंट हो जाता है, क्योंकि खेलने कूदने वाली या स्पोर्ट्स वाली लड़कियों के लिए इतनी दिक्कत नहीं रहती है, बट जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव लड़कियां रही हैं पहले, उनको मैरिज के बाद दिक्कत आती है। तो मेरा पहला, आप इसको उपदेश समझिए, या आपको बींग अ डॉक्टर आपको एक अच्छी एडवाइस मैं ये कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को प्री मैरिटली जितना अवॉइड कर सकें। इन्फेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बेसिक मुद्दे पर जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लड़कियों को, एक्चुअली कईयों को हमने बहुत बार एग्जामिन भी करके देखा है, उनको दिक्कत आती है, वो अपने वजाइना को बहुत लूज पाती हैं, हाइमन रप्चर हुआ होता है। और हाइमन रप्चर एक तो होता है बेसिक रप्चर कि आपका खेलने कूदने या भागने दौड़ने से हो गए, ये बात सब लोग जानते हैं, बट जो लोग प्रोलॉन्ग एक्टिव रहे हैं और अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको दिक्कत आती है। उस केस में आप लोग अपने डॉक्टर के पास जाइए, वहां पर जाकर आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए कि हम लोग सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं या हमारी शादी होने वाली है, तो हमें उसके बाद उस हिस्से का रिपेयर चाहिए। इसको हम लोग रिपेयर की सर्जरी के अंदर लेकर आते हैं, जिसके अंदर हम हाइमन रिपेयर और पेरिनल रिपेयर दोनों चीजें करते हैं। आपका जो नीचे का हिस्सा है, जो सेक्सुअली एक्टिव आप रह चुकी हैं, वो उस हिस्से को हम लोग वापस आपकी नॉर्मल शेप और कंटूर के अंदर ले आते हैं, जो कि मोर देन 99.9% सक्सेसफुल रहता है। अगर मैं कहूँ तो 100% ही रहता है। इससे क्या होता है, आपकी एम्बैरेसमेंट खत्म हो जाती है, आप वापस अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करती हैं कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वापस नॉर्मलाइज की तरफ है। अदरवाइज भी वो नॉर्मल ही रहता है, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आप लोगों को रहता है वो खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छे कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और इसके जरिए आप अपना वापस कॉन्फिडेंस भी ले लेती हैं। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरी फर्स्ट एडवाइस यही है आपको, बीइंग अ लेडी भी, बीइंग अ डॉक्टर भी, कि आप जितना इस चीज़ को अवॉइड कर सकें उतना ही बेटर है। बट अगर आप उस चीज़ में जा चुकी हैं और अब आपको दिक्कत है तो आप उसमें घबराइए नहीं। बहुत सारी पेशेंट्स मेरे पास ऐसी भी आ रही हैं जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में, डिप्रेशन में चली जाती हैं,
शादी करने से घबरा रही हैं ये सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब इसमें साइकोलॉजी वाइज भी ना वो लोग बहुत डिप्रेस हो जाती हैं इस बात को सोचकर। हमने साइकोलॉजी वाइज डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो वो भी उतना ही 100% रिस्पॉन्सिबल बंदा रहता है जितना कि आप रहती हैं, परंतु क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको ज्यादा रहता है तो उस केस में अगर आप अपने डॉक्टर से खुल के बात कर लें तो इस चीज का समाधान 101% आपको होता है। वजाइनल रिपेयरिंग एंड हाइमन रिपेयरिंग से आप वापस अपनी एनाटॉमी की तरफ जा सकती हैं। आप इस बात को जरूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए बजाय डिप्रेस होने के या और कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। ये सिंपल माइनर एक प्रोसीजर होता है जिसमें ऑलमोस्ट 1 डे स्टे होता है, बट अपने पेरेंट्स को बताए बगैर नहीं। अपने पेरेंट्स को आप जरूर बताइए, आपके पेरेंट्स आपको कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हेल्प नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ हमेशा खुल के बता के अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मदर के साथ फॉलो करके आप फिर आइए हॉस्पिटल में और इस चीज़ को भी आप रिपेयर में लेके जा सकती हैं। मेरे ख्याल से आपको इस बात का मेरे कहने से कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हैं तो आप हमारे नर्सिंग होम में भी आकर इस बात में के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।